इसका मम्मी जो मरा ना, ये पेशाब करने के लिए उठा, मम्मी को ऐसे जगाया, मम्मी नहीं जागा तो मेरे पास आया, कहता नाना जी नानी जी, जब मम्मी को मार के पापा भाग गया। हाँ, इसका एक भाभी है, इसके पीछे इसने अपनी घरवाली को मारा है। घरवाला ते घरवाली दे झगड़ियां दी जेकर गल करिए तां अजिहा दुनिया ते कोई ही घर होवेगा जिथे घरवाला घरवाली दी आपस च तू तू मैं मां ना हुंदी होवे। पर कई बार यह तू तू मैं मां इन्ना ज्यादा भयानक रूप धार लैंदी है कि किसी एक नूं जान गवानी पै जांदी है ते पिछे बच्चे गलियां च रुलदे रह जांदे ने। कुछ अजिहा ही एक मामला मुक्तसर तो सामने आया है जिथे मुक्तसर दी अनाज मंडी दे पिछले पासे झुग्गी झोपड़ी च रहण वाले एक प्रवासी ने अपनी ही घरवाली दा सवेरे 4 बजे गला घोट के उसनू मार दिता ते घरों फरार हो गया। तो दस दे के इस प्रवासी दे 3 छोटे छोटे बच्चे सन। जदों इस बारे उस बस्ती च रहिंदे लोकां नाल गलबात कीती गई तां उन्हां उस बंदे दी जानकारी दिंदे कहा कि उस बंदे दी अपनी भरजाई दे नाल कोई गलबात सी जिस दे चलदे ओह अक्सर अपने घर कलेश करदा सी। इस दे नाल ही उन्हां होर की कहा, सुनो जरा। भाई साहब क्या नाम है आपका? दयानंद बिंद है जी। दयानंद बिंद। दयानंद जी, क्या घटना क्या हुई है यहाँ पे आपके यहाँ पे? ये जी देखो, ये रह रहा था यहाँ बच्चा पूनम देवी जी, 15-20 साल से रह रहा था बाल बच्चे लेके। पहले भी दोनों जी रह रहा था बाल बच्चे के साथ। दो साल के बाद लड़ाई हो गया, इसका घरवाला चला गया पूनम देवी का पिंड। कहाँ के रहने वाले वो? उसका गांव कौन सा? चंगेली मिर्जापुर है जी, उसका घर वाला रहता था पूनम का। ये कहाँ पे है? ये सुल्तानगंज रहता था, भागलपुर जिले में पड़ता, बाबा बोसकीनाथ देवघर के एरिए में। बिहार का रहने वाला था जी। तो सुबह क्या घटना क्या हुआ, कैसे पता चला ये घटना? ये बच्चे हमको बताया, जगाया है ये बच्चे ने, छोटा सा जी। इसका मम्मी जो मरा ना, ये पेशाब करने के लिए उठा, मम्मी को ऐसे जगाया, मम्मी नहीं जागा तो मेरे पास आया, कहता नाना जी नानी जी, जब मम्मी को मार के पापा भाग गया। पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा होता था मियां बीबी में? हाँ, पहले हुआ था, एक साल पहले हुआ था। हाँ जी। क्या मारने का क्या कारण क्या रहा, कुछ आपको है जानकारी? हाँ, इसका एक भाभी है, इसके पीछे इसने अपनी घरवाली को मारा है। जिसने अपनी पूनम देवी के पति का नाम था क्या है जिन्होंने मारा? कौन सी नाम? विनोद। विनोद जी, विनोद बिंद जी। विनोद बिंद। हाँ जी। कितनी आयु थी इनकी, वो उम्र क्या थी? 40 साल के नेड़-तेड़ था, 39-40 साल। विनोद की 40 साल और पूनम की कितनी? 35 साल जी। पहले भी भाभी के चक्कर में अपनी पत्नी को मारता? हाँ हाँ, भाभी के चक्कर में लड़ता था। कितने बच्चे कितने इनके? 3 है जी, 2 भाई है, एक लड़की है जी। लड़की के एज है यही, कम से कम 14 साल की उम्र है। 14 साल की उम्र है। यहीं पे रहते हैं? नहीं, नानी के पास रहता है जी। नानी के पास पढ़ाई करता है। यहाँ पे कितने बच्चे रहते हैं? एक रहता है, यही बच्चा था ये। छोटा बच्चा रहता है? हाँ, ये सबसे छोटा ही है। पुलिस को इसके बारे में सूचना दी अपने? हाँ दिया जी। क्या मांग क्या करते हैं पुलिस से? मांग करता हूँ यही कि सजा मिलना चाहिए लड़के को, कुछ नहीं उसको, कम से कम सजा उम्र कैद की होनी चाहिए जी। उत्थे जदों उन्हां दे छोटे छोटे बच्चों नाल गलबात कीती गई तां उन्हां अपने पिता बारे गल करदे आखिर की कहा, सुनो जरा। सानू ना कंट्रोल रूम तक कॉल मसूल होई सीगी, कहिंदे वी एक झुग्गियां दे विच कोई लेडी दी डेड बॉडी पई आ, ते मौके ते पहुँच के डेड बॉडी नूं लै लै कब्जे च, ते डेड बॉडी मोर्चे च रखवा दित्ती आ, ते अगली कार्रवाई अमल विच लैंदी जा रही है। सर, पहचान हुई है महिला दी, कौन सी, कित्थों दी रहण वाली है जी? ये पूनम देवी है जी, वाइफ ऑफ विनोद कुमार है, तो जिला बांका बिहार की रहने वाली है। इतने काफ़ी टाइम हो गया रेंद्या नूं, तो इन्हों है भी ये घर वाले ने कतल किया। कारण का पता लग गया जी? कोई की कारण का आपस में कोई पहले रंजिश है इन्होंने किमें कतल किया? कतल तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद पता लगे किदा कतल हो जी। तो सर, किसी के आंढ़ी गुआढ़ी या मोहल्ला वासियों ने किसी शक जताया हो? शक तो ये घर वाले तो शक कर रहे सारे। कोई लड़ाई के कारण पता नहीं लगे सर कतल का? लड़ाई के कारण तो जी जितों पता लगे थोड़ा बहुत भी ये जरा घर वाले से अपने
ਸਿਹਤ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਟੁੱਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ।